इस देश के निर्माण में हमने कुछ गंभीर गलतियां की हैं जब मैं कह रहा हूं गंभीर गलतियां देखिए एक एक गणतंत्र के रूप में हमारा जन्म सैतालीस में हुआ पचहत्तर साल पहले तब जो एक उप महाद्वीप था उसे या तो अज्ञानता के कारण या जानबूझकर हमें नहीं पता कैसे मैं उस समय के लोगों पर अपनी राय नहीं बनाना चाहता बट वी टर्न सब कॉन्टिनें ऑन पर हमने उप महाद्वीप को एक द्वीप बना दिया अभी इस देश में आप व्यापार या तो समुद्र के रास्ते कर सकते हैं या तो हवाई मार्ग से कोई सड़कें नहीं है कोई रेलवे नहीं है कोई पाइपलाइनें नहीं है जो हमारे लिए तेल गैस या कुछ भी ला सकें, क्योंकि हम एक द्वीप हैं, जो एक उप महाद्वीप था उसे हमने एक द्वीप बना दिया यह एक त्रासदी है जिसे आप सुधार नहीं सकते कम से कम अभी तो नहीं तो हमें बहुत प्रगतिशील बनना होगा सौभाग्य से हमारे लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आया, जिसके लिए किसी रोड या रेलवे या पाइपलाइन की जरूरत नहीं होती यह बस हवा में होता है असल में इसकी बदौलत ही हम अच्छा कर पा रहे हैं हेलो नहीं तो आप देखिए कि हर चीज जो समुद्र से आना होता है कोई भी चीज जिसका वजन 10 टन से ज्यादा है उसे समुद्र के रास्ते आना होता है आप उसे रोड या सड़क के रास्ते नहीं ला सकते बिल्कुल नहीं वो देश जो हजारों सालों से इन रास्तों से व्यापार करता रहा था हमने सब कुछ बंद करके एक उप महाद्वीप को द्वीप बना दिया अब क्या कहा जाए <laughs> खैर अब चूंकि इस तरह की चीजें अतीत में की जा चुकी हैं तो आज जो हम दुनिया में बना रहे हैं उसके लिए हमें बिल्कुल नई सोच की जरूरत होगी अब यह बहुत महत्वपूर्ण है अगले 10 से 15 सालों में हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जिस पर हमें गर्व हो तो हमें सही चीजें करनी होगी